अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिस्टीन के हाइलाइटर्स को डिस्कस करूँगी, जो मैंने ये नए प्रोडक्ट्स जो हैं मंगवाए थे, इनको मैं अनबॉक्स करूँगी, आपके साथ इनके स्वाचेस शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये वाला शेड ट्राई करती हूँ। ये 8 to 7 है। मेरे पास इसमें दो और शेड्स भी हैं जो मैंने काफ़ी पहले से लिए हुए हैं। 8 to 8 था और 8 to 9। मैं ये वाले लाइटर शेड्स भी ट्राई करना चाह रही थी। ये थोड़ा सा ना पिंकियर शेड है, अगर आपको कैमरा पे नज़र आ रहा हो। बहुत ही अच्छे हाइलाइटर्स हैं भाई इनके। ये जो बेक्ड पाउडर्स हैं ना, ये तकरीबन 380 के अराउंड है, मतलब कि 400 से नीचे ही हैं। तो आप ये देखें, इसका मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत है, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत। ये आप देखें किस कदर इसकी खूबसूरत शाइन है और बहुत ही प्यारा, मतलब ये लाइट सा पिंकी सा। ये फेयर कलर के लिए, ये फेयर कम्प्लेक्शन पे ना ये वाले शेड अच्छे लगते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास जो है ना वो है 830। ये भी लाइट सा ना सिल्वरी गोल्ड सा कलर है, मिक्स सा ना। मुझे ऐसे ही लग रहे थे। इसके स्वॉचेस भी लाइट सा, देखें आप, ये इस तरह है। ये भी लाइट कलर कलर्स के लिए है, फेयर कम्प्लेक्शन के लिए ये यूज़ होगा। बाकी ये है कि इसको आप वैसे आइज़ पे, इनर कॉर्नर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा गोल्डन सा है, गोल्डन लाइट सा, जो गोल्डन सा होता है ना, देखें कितने खूबसूरत शेड्स हैं ये। देखा, ये थोड़ा ना डल आइवरी गोल्डन सा है, लेकिन बहुत ही प्यारे हाइलाइटर्स हैं, ठीक है। और ये फेयर कम्प्लेक्शन वाले हाइलाइटर्स हैं। मैं जो पहले मैंने नंबर्स 8 to 8 और 8 to 9 इसके ऑर्डर किए हुए थे ना, वो थे थोड़े से, जैसे कह लें कि मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और ये मैंने इनकी जो 4 कलर्स की हाइलाइटर किट है ना, ये भी मैंने 02 शेड में ऑर्डर की थी। ये मीडियम स्किन टोन्स के लिए है, ठीक है। तो मैं डार्क, मतलब फेयर वालों के लिए, तो मैंने ये लाइट, ये दो ऑर्डर कर दिए थे, ताकि मेरे पास एक लाइट कलर्स के लिए भी, फेयर कम्प्लेक्शन के लिए भी हो ऑप्शन। और ये वाले जो हैं ये मीडियम स्किन टोन के लिए हैं, ठीक है। बहुत ही ये भी अच्छे हैं। ये 900 के अराउंड है ये वाली पैलेट। अच्छा, देखें आप कितनी खूबसूरत इसमें भी शेड्स हैं। अच्छा, इसमें शेड्स तो हैं, ये वाले शेड्स जो हैं, ये दोनों शेड्स जो है ना, आप मीडियम स्किन टोन्स पे यूज़ कर सकते हैं। इवन ये वाला भी, ये लाइट लग रहा है मुझे। मैं इन सब के स्वॉचेस करती हूँ ताकि हमें एक आइडिया हो जाए। सबसे पहले मैं ये वाला गोल्डन करती हूँ, कंपेयर भी हो जाएगा कि ये दूसरे उस वाले से क्या है, या एक्चुअली वही शेड्स हैं जो पैलेट की फॉर्म में। जी, तो ये उससे काफ़ी सिमिलर है। तो आपने अगर अलहदा से नहीं बाय करने है ना, तो मेरे ख्याल से तो आप ये पैलेट बाय करें ना, तो आपको बेहतरीन वही रिजल्ट्स मिलेंगे, और वही वाले ऑलमोस्ट शेड्स हैं जो सेपरेटली इंडिविजुअल भी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये वाला कर रहे हैं शेड। इन शेड्स के फोर्स कोई सेपरेटली नंबर्स नहीं हैं, ये तो किट में ही आते हैं यूँ, ठीक है। ये थोड़ा ब्रॉन्जी सा शेड है, देखें ये बहुत बेहतरीन है चीक्स वगैरह पे भी, हाईलाइट पॉइंट्स पे भी लगाने के लिए, और आप इसको आईज पे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। फिर ये है थोड़ा पीची पिंकी सा, ये भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ये भी लाइटर स्किन टोन्स पे अच्छा लगेगा। फिर ये वाला जो लास्ट शेड है, ये कर लेते हैं, ये भी बहुत प्यारा है, ठीक है। ये भी थोड़ा पीची से, थोड़ा ये उतना मतलब शाइन नहीं है इसकी जितनी बाकियों की है। तो ये कि इसको भी आप आइज़ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इन सबको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज़ किट का ये फ़ायदा होता है, आप याद रखें कि आपके पास जब किट होती है ना, तो आप उनको अलहदा अलहदा भी यूज़ कर सकते हैं, और यकीनन इनको आप मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं होता, आपका एक अच्छा कलर बल्कि बन जाता है। लेकिन ऑलवेज़ ये याद रखें कि आपने स्किन टोन के हिसाब से हमेशा यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मीडियम टू डार्क है स्किन टोन, या मीडियम ही स्किन टोन है ना, और उस पर आप ये वाला हाइलाइटर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, या ये वाला जो पिंक है ये यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा जो मेकअप है ना, उसमें ग्रे ग्रे सी लुक आने लग जाएगी। तो प्लीज़ ये चीज़ ना किया करें, अपने हमेशा कम्प्लेक्शन के हिसाब से आपको चूज़ करना चाहिए हाइलाइटर का शेड भी। और इसलिए इस हिसाब से ये क्रिस्टीन की किट्स बहुत अच्छी हैं। इसमें 01 शेड भी आता है और 02 भी। तो 01 भी बहुत अच्छा, वो थोड़ा और लाइटर शेड्स का कंपाइलेशन है ज़ाहिर है उसमें इकट्ठे। तो मैंने ये वाली ऑर्डर कर ली थी,
दोनों ही किट्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, प्राइस भी इनकी ठीक है, 900 या अंडर 1000 रुपीज़ अगर आपको एक इतनी अच्छी किट मिल रही है जिसमें चार चार हाइलाइटर्स हों, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हमारे लोकल ब्रांड्स बहुत बेहतरीन हैं, तो आप ज़रूर ये ट्राई करें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।